हेलो दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मर्तबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद बहुत सारे नए जज्बों के साथ, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ और अपने बहुत बहुत अच्छे दोस्तों के साथ आपको वेलकम कहता हूँ आप ही के यूज शो में जिसका नाम है पूरे दिल से। जी दोस्तों, वक्त हो गया है, पूरे दिल से का वक्त हो गया है कि अगले 30 मिनट आप सबके साथ स्पेंड करने का वक्त हो गया है कि एक और टॉपिक आपकी खिदमत में रखने का। और हमेशा की तरह एक मरतबा फिर मैं पूरे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपको हमारे शोज़ इतने पसंद आ रहे हैं और आप बारहा बार हमें थ्रू मैसेजेस, थ्रू कमेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, हमने आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच। आज भी बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, तो हमारा दिल किया कि आज के शो का आगाज़ एक अच्छी सी कलाम मुकद्दस की आयत से करें। तो चलें ज़रा मिलकर देखें, स्क्रीन पर आ रही है आपके सामने आयत। ये आयत है साम 127 और उसकी चौथी वर्स, उसकी फोर्थ वर्स। क्या लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। बहुत ही अच्छा ये एक मैसेज मिलता है हमें इस आयत में और हमें पता चलता है कि एज यूथ होते हुए हमारी ज़िंदगी की कितनी अहमियत है और ज़िंदगी में रहते हुए कितना ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें, कितना ज़रूरी है कि हम हमेशा तंदुरुस्त रहें, कितना ज़रूरी है कि हम अपनी सारी बातों में अपने आप को हमेशा आगे लेकर बढ़ाने वाले हों, क्योंकि आगे चलना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक आप सबकी खिदमत में हम रखने को हैं। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इसका शिकार हो जाते हैं कि हम हर काम में बड़ी सुस्ती करते हैं और बड़े बेसब्र हो जाते हैं, हम हर काम में बेसब्री बड़ी आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में सब्र रखना और ज़िंदगी में सुस्ती को छोड़कर आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। मिलकर सीखेंगे इन सारी बातों पर। इससे पहले कि आगे बढ़े, मिलते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, कैसी फीलिंग्स है आज के टॉपिक के लेके? लाइक ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ अच्छा है। वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट फ्रॉम दिस एंड वी कैन मेक अदर ऑल्सो दूसरों को भी हम बता सकते हैं कि ये कितना नॉलेजेबल है, इसके क्या इफेक्ट्स और क्या साइड इफेक्ट्स हैं बिल्कुल इस टॉपिक के बारे में। बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही बात है, हमने कहा कि एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी इंसान के लिए। मारिया, आपका क्या हाल है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज के टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे? अगस्टिन, टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा खास है जो हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। नो डाउट आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है जो अपने ऑडियंस के साथ हम शेयर करने को जा रहे हैं कि जो कि यंगस्टर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक के लिहाज से मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थिंग है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में फेलियर्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो अ लेजी पर्सन इज ऑलवेज द लूजर इन लाइफ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत आयत हमें कलामे मुकद्दस में से मिलती है, इम्साल 21:25 उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है कि काहिल की तमन्ना उसे मार डालती है क्योंकि उसके हाथ मेहनत से इनकार करते हैं। वाह, बहुत 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 ज़बरदस्त बात आपने की कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि सुस्ती हो, काहली हो, ये हमें गिराने का सबब ठहरती है या हमें ज़िंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे नहीं हटना बल्कि हमने खुद भी आगे बढ़ना है और अपने वसीला से दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसलिए इस शो को हम करते हैं ताकि हम आपको मोटिवेट करें, हम उन टॉपिक्स को आपकी खिदमत में रखें जिन टॉपिक्स का मैं समझता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सामना करना पड़ता है। तो जनाब, सुस्त रहने से कुछ नहीं होगा और हमें एक्टिव होना पड़ेगा। स्पेशली अपनी यूथ से मैं कह रहा हूँ कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि ये मामला बड़ा सख्त है, ये मामला है ज़िंदगी का और ये मामला है आगे बढ़ने का और दूसरों को आगे बढ़ाने का। एरिक, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन। वेरी गुड। और आज के टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे आप? अगस्टिन, मैं अपने वर्डिक्ट का आगाज़ इस बात से करूँगा कि कायनात अपनी हरकत से चल रही है, आज तक कायम है। अगर तो कायनात हरकत ना करे, ना दिन हो ना रात हो, और मतलब ये कायनात तबाही की तरफ चले, इसी तरह हमारे जिस्म या हमारी ज़िंदगियाँ होती है, अगर हम हरकत करना छोड़ दें तो इसका अंजाम पस्ती होगा। वाह, वही बात है कि अगर हम ये दिल धड़कना बंद कर दें तो हम मर जाएंगे, अगर हमारी सांसें साथ छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए भी अगर हम ज़िंदगी को जीना छोड़ दें तो हम मर जाएंगे। और मैं समझता हूँ जो सुस्ती एक बुरी जो आदत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है वो हमें बेशुमार मर्तबा नीचे गिराने का बाइस ठहरती है। तो आज बहुत सारी बातों को हम सीखेंगे, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कितना ज़रूरी है एक्टिव रहना, कितना ज़रूरी है ऐसी सारी बातों को छोड़ना
और सोशल एस्पेक्ट से कितना ज़रूरी है ऐसी बातों को छोड़ना। बहुत सारे हमें अमल मिलते हैं, बहुत सारे काम मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे मैं समझता हूँ बातें मिलती हैं जिनके वसीला से आप सुस्ती को छोड़ सकते हैं, ऐसे कहले को छोड़ सकते हैं, आप अपनी बेसब्री का इलाज कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जो बेसब्री भी होती है वो भी हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं हमारे नुकसान का बायस ठहरती है, हमसे कोई ना कोई गलत काम भी करवा लेती है, झूठ भी बुलवा लेती है, हमारे अमल में भी बड़ा एक बैड एक्सपीरियंस रखती है बेसब्री। तो सब्र रखना ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है और सब्र रखने के साथ साथ एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है, सुस्ती को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो आगाज ही आज करते हैं एक अच्छे से सेगमेंट की तरफ। पूरे दिल से ने बड़ा अच्छा आपके लिए सेगमेंट तैयार किया है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्पेशली मैं अपने यंगस्टर से कह रहा हूँ कि यंगस्टर होते हुए सोशल एस्पेक्ट से ये एक ऐसा अमल है जो सेगमेंट अभी हम आपको दिखाने को हैं जिसके वसीला से आप अपने बदनी सुस्ती को ख़त्म कर सकते हैं, आप एक्टिव रह सकते हैं। और वही बात है, बदन तंदुरुस्त तो इंसान तंदुरुस्त तंदुरुस्त रहना बेहद ज़रूरी है। तो पूरे दिल से ने बड़ा अच्छा एक सेगमेंट आपके लिए तैयार किया है, वो सेगमेंट क्या है चले मिलकर देखते हैं एरिक के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो अगस्टिन ने कहा था कि एरिक के साथ चलते हैं एक अच्छे से सेगमेंट में। तो लेट मी टेल यू, आज का ये अच्छा सा सेगमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक जिम में, रिफिल क्लब आए हैं हम। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको क्लब के अंदर। तो गाइस, आपने वीडियो क्लिप्स देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किस जगह मौजूद हैं। जी हाँ, तो आज हम मौजूद हैं रिफिल क्लब में। तो आए मैं आपको मिलाता हूँ रिफिल क्लब के ऑनर और ट्रेनर से। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर इमरान एंड ब्रदर साइमन, थैंक यू वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। नो प्रॉब्लम एरिक भाई, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों की लाइफ के लिए कि आप लोगों को फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें। तो कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ब्रदर साइमन, आज हम बात करें लेजीनेस पे कि हाउ टू ओवरकम लेजीनेस और किस तरह से निकला जाए। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिम की या एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या शख्स को करना चाहिए जिम, एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी लाइफ में काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है। हर इंसान को जिम में आके या घर पे भी, होम में अपने घर पे भी ट्रेनिंग कर सकता है, वर्कआउट या एक्सरसाइज कुछ भी, कि थोड़ा एक्सपेंड करे टाइम जो अपनी बॉडी को दे, ताकि बॉडी रिलैक्स रहे, उसको रिलैक्सेशन फील हो और अच्छा फील होता है वर्कआउट करने के बाद हर रोज़। तो ब्रदर इमरान, मेरा दूसरा सवाल आपसे है और मैं पूछना चाहूँगा कि एक शख्स को कितना टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज में या जिम के लिए? वर्कआउट में जो टाइम देना चाहिए 40 से 45 मिनट इनफ होगा एक शख्स के। जी बिल्कुल। और जो एक नॉर्मल बंदा है जिसकी बॉडी फिजिक्स नॉर्मल है और एक है जो फैट है, तो इन दोनों के लिए क्या अलग अलग टाइमिंग है? जी बिल्कुल, उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी फैट जो उसकी लिमिट ज़्यादा होती है और उसको ज़रूरी टाइम ज़्यादा देना चाहिए। जी, तो भाई मेरा अगला सवाल आपसे है कि एक शख्स जो जिम में टाइम दे रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, उसके लिए डाइट किस तरह की होनी चाहिए, उसे क्या कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है एरिक भाई। हर जो इंसान है अगर उसका फैट परसेंटेज कम है तो उसको उस हिसाब से हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए आफ्टर वर्कआउट, और अपने कार्ब्स और फैट्स लिमिट करनी चाहिए। जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि पिज़्ज़ा बर्गर रोल वगैरह, ये तो बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ता है क्योंकि ये हर इंसान के लिए अच्छी डाइट नहीं है। बिल्कुल, और ये फैट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये फैट को परसेंटेज हाई करता है और बॉडी को लेजीपन भी इसी वजह से ऐसा ही फील होता है। तो गाइज, आपने खुद सुना कि हमें जिम के ट्रेनर बता रहे हैं कि ओवर ईटिंग से और ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड लेने से भी शख्स लेजी हो जाता है क्योंकि उसका फैट बढ़ता है। तो मेंटली अच्छा रहना, मेंटली तौर पर एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है, लेजीनेस से निकलना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें और अपना वक्त अच्छे कामों में सर्व करें। इसी अच्छी बात के साथ चलिए मिलते हैं अपनी टीम से, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेगमेंट बेहद पसंद आया होगा। अपनी ज़रूरी आरा से हमें आगाह कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा आज के सेगमेंट। चलिए बढ़ते हैं टीम की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स, एंड एरिक, दैट वाज रियली सुपर्ब। दैट इवन दो इज अ गुड वे टू टेक आउट ऑल द लेजीनेस फ्रॉम आवर इनसाइड आवर बॉडी, एंड दैट्स रियली हेल्पफुल टू एवरी यूथ वी आर गोइंग थ्रू। लाइक एग्जैक्टली, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी। इट कीप्स योर बॉडी हेल्दी। एग्जैक्टली, हेल्दी बॉडी माइंड इज आल्सो हेल्दी, यू आर गोइंग गुड इन एवरीथिंग। तो जो एक चीज जो मैं बड़ी नोटिस कर रहा था वो ये है कि इन चीज़ों को जानने के लिए ना कि क्या चीज़ें हमें सुस्ती या इस तरह की चीज़ें या काहली ये किस तरह हम इसके शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए सेल्फ एनालिसिस बेहद ज़रूरी है। राइट, क्योंकि खुद शनासी जो है ना ये एक ऐसी कुव्वत है जो हमें
इस लाइक बनाती है कि हम अपने आप को देखें कि हम कहाँ कहाँ कमियों का शिकार हो रहे हैं, और ना सिर्फ ये एक ऐसी कुवत है जो ना सिर्फ हमें इनको पहचानने में मदद करती है बल्कि इनको कंट्रोल करने में मदद करती है। सही बात है, और वही बात है कि जब हम सुस्त हो जाते हैं तो एक वक्त होता है काम करने का, और जब वो वक्त हम छोड़ देते हैं तो जब वक्त आता है कि किसी परेशानी का तो हम फिर बड़े बेसब्र हो जाते हैं, हम कहते हैं हमने जल्दी 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 करना है, तो जल्दी जल्दी में वो काम गलत हो जाता है। तो सीख रहे हैं आज के सुस्ती को भगाना कितना ज़रूरी है और बेसब्री से जान छुड़ाना कितना ज़रूरी है क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग होते हुए ये बेहद ज़रूरी है। हमने बहुत सारे अपने एपिसोड किए और बार बार हम बताते हैं कि जो ज़िंदगी है ये बेहद कीमती तोहफा है, और ज़िंदगी का एक्टिव रहना और ज़िंदगी में एक्टिव रहना बेहद ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में एक्टिव तभी हम रहेंगे जब हम सुस्ती से अपनी जान छुड़ाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि आगे जब हम नहीं बढ़ते तो हमारे ज़ाती तौर पर पीछे होते हैं, माली तौर पर पीछे होते हैं, घराने के तौर पर पीछे होते हैं, और जो कम्युनिटी में हमारा जो एक स्टेटस होता है ना वो भी नहीं फिर रहता। सो बहुत सारी बातें करेंगे और करते रहेंगे इस टॉपिक पर। जी अगस्टिन, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जब हमारा स्टेटस गिर जाता है माशरती तौर पर या लोगों की नज़र में हम गिर जाते हैं, जब हम सुस्ती का शिकार होते तो यकीनन लोग देख के कहेंगे कि शख्स सुस्त है। तो देखना यह है कि सुस्ती इंसान में आती है जब ज़्यादा काम करने से भी आती है, अक्सर इंसान थक जाता है, लेकिन देखना यह है कि कहीं हमारी शनाख्त ना बन जाए कि लोग हमें इसी के नाम से पुकारें सुस्त बंदा है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम देखें कि कहीं हमारी शनाख्त ना बन जाए। हम दुनियावी तौर पर बात कर रहे हैं तो कलाम मुकद्दस में हमें मिसाल में मिलता है कि सुस्त हाथ कंगाल कर देते हैं, लेकिन जो काम करने वाला शख्स होता है वो अमीर होता चला जाता है, वो कमाता है, वो बढ़ता चला जाता है। तो देख लें जनाब, बार हम कह रहे हैं कितना ज़रूरी है सुस्ती से जान छुड़ाना, थकावट वाली सुस्ती से नहीं। अगर तो आप काम करके थक रहे हैं तो वो एक बिल्कुल एक नेचर है, वो लाजमी बात है, आपको थकना भी चाहिए, लेकिन वही बात है, आरिक ने कहा कि इसको अपनी आदत ना बना लें, हर काम में सुस्ती ना करें, हर काम में एक्टिव हों, हर काम में दिलेरी से काम करें, हर अपने कदम को दिलेरी से उठाएं, और मैं समझता हूँ कि दूसरों की दिलेरी का भी बायस ठहरे। कोशिश में सुस्ती ना करें, रूहानी जोश में भरे रहें। बहुत अच्छी बात है। सो पूरे दिल से ने आज के सॉन्ग ऑफ द वीक के सेगमेंट में बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग एक रखा है, यकीनन जब आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो बहुत बहुत अच्छा एक मैसेज आपको मिलेगा। ये सॉन्ग है होसाना दी बैंड का, और होसाना दी बैंड से आप सब वाकफियत रखते हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से वो अपनी खिदमात को सरंजाम दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ दोस्तों जो होसाना दी बैंड का मकसद है बैंड बनाने का, वो भी ये है कि हम म्यूज़िक के वसीले से वो यूथ को मोटिवेट करें। तो बड़ा अच्छा एक उनका सॉन्ग है, मेरी कौम के जवानों मेरी बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो, बेहद ज़रूरी है। तो इससे पहले कि हम सॉन्ग सुने, चले जिनका ये सॉन्ग है उन्हीं से पूछते हैं कि इसका क्या मकसद है और वो क्या हमें मोटिवेशनल मैसेज देते हैं इस सॉन्ग से रिलेटेड। फतेह मंजिलारी नाम में आप सबकी सलामती हो, देखने वाले सभी दोस्तों को रोजाना बैंड और मेरा सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे दिल से प्रोग्राम की सारी टीम का, भाई अगस्टिन का और उनके सारे साथियों का, जिन्होंने आज हमारा एक सॉन्ग ऑफ द वीक डिक्लेयर किया और आज उसको आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से हाय शुक्रगुजार हूँ। और ये सॉन्ग आपके लिए नया नहीं, क्योंकि ये 2009 में हमने जब हमारा फर्स्ट एल्बम रिलीज़ हुआ था तो ये सॉन्ग उस वक्त हमने रिलीज़ किया, और ये ख़ास बोझ के तहत लिखा गया, और वो बोझ जो खुदावंद ने होसाना द बैंड को होसाना बनने के लिए दिया, यानी मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों का, जो बोझ खुदावंद ने हमारा, चूँकि विजन नौजवानों के ताल्लुक से है, नौजवानों की ज़िंदगियों पे काम करने का विजन खुदावंद ने हमें दिया, इसी ताल्लुक से इस गीत को लिखा गया। जी मैं बात कर रहा हूँ उठो आगे बढ़ो, जिसको हमने क्रिश्चियन नौजवानों का तराना डिक्लेयर किया था, वो सॉन्ग आज के इस एपिसोड में सॉन्ग ऑफ द वीक के तौर पर आ रहा है। और जब इसको मैंने लिखा तो यही मेरे दिल में था कि क्रिश्चियन यूथ जो है वो होपलेस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना उम्मीद हैं, लेकिन हमारी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह में है, जो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, और हमें ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी आंखें खुदावंद पर लगाने की, और अगर हम अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाएं और उसमें मसरूर रहें
तो नौजवानों में आपको पैगाम देना चाहता हूँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है और जो आपको तरक्की की मंजिलों पर पहुँचने से रोक सकती है। तो खुदावंद पर भरोसा रखिए, खुदावंद के साथ चलिए, उसमें कायम रहिए, उस पर पूरा ईमान और अपना तवक्कल रखें, अपनी आंखें किसी इंसान पर नहीं बल्कि खुदावंद की तरफ लगाइए, तो यकीनन हमारी कौम बहुत आगे जाएगी और हमारे नौजवान ही हैं जो इस कौम को आगे लेकर जाएंगे। मेरी नेक तमन्नाएं तमाम देखने वालों के साथ और प्रोग्राम पूरे दिन के साथ भाई गस्टिन के साथ, उनकी सारी टीम के साथ है। ये गीत बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी में तकवीत का बायस ठहरेगा। खुदा हम आपको बड़ी मदद करें। मुसीबत कड़ी से कड़ी भी या आए फिर आंधी तूफान, जो आए मुसीबत कड़ी से कड़ी भी या आए फिर आंधी तूफान, वो भेड़ों को अपनी बचाने की खातिर खुदाएगा बन के चौपान, खुदाएगा बन के चौपान। उठो आगे बढ़ो, मंजिल को पहचान लो, उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हुसाना दी बैंड का इतने खूबसूरत गीत के लिए और स्पेशली सर जमशेद जरूर का, इतना खूबसूरत लिखा है और बहुत अच्छा मैसेज है जो लिटरली हमें मोटिवेट कर रहा है कि अपनी मंजिल को पहचानो। और इसका अंतरा बड़ा खूबसूरत है कि मंजिल तुम्हारी मसीह नासरी, रसूल ही तुम्हारा निशान। अगस्त में एक बात बताना चाहूंगा कि जब मैं इस टॉपिक की तैयारी कर रहा था तो मैं ढूंढ रहा था कॉजेज ऑफ लेजीनेस, उसमें 10 से 20 ऐसे कॉजेज आए थे जिसमें से एक जिसने मुझे बहुत ज्यादा ट्रैक किया, जिसने मुझे इस बात के लिए मादा किया कि मैं उस पर पढ़ूं, वो था कि लैक ऑफ मोटिवेशन। जब हमें कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता तो हम और पस्ती का शिकार होते हैं, गिरते हैं। तो मैंने ये बात इसलिए की है कि जब कलाम की ऐसी बातें, कलाम मुकद्दस मसीह यसु हमें मोटिवेट करता है तो हमें आगे बढ़ना है। कलाम मुकद्दस हमें बार बार मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और हमें भी दूसरों को मोटिवेट करना बिल्कुल जरूरी है। और इसलिए तो पूरे दिल से ये शो हमने डिज़ाइन किया ताकि हम आपको बार बार मोटिवेट करें। ब्रिटनी क्या कहेंगी? जैसे आपने कहा है रे कि मोटिवेट होना, शायद कहीं ना कहीं इधर हम लोग काफ़ी लैक करते हैं। बिकॉज मैंने ओपनली देखा है, आप अगर कोई हो यूथ है हमारी, सबसे ज़्यादा उनको लैक ऑफ मोटिवेशन इसलिए भी होती है बिकॉज उनको कोई बैक से पुशअप करने वाला है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती। बिल्कुल ब्रिटनी, आई एग्री विद यू, बहुत ही खूबसूरत कहा आपने। और दोस्तों हम तो बातें कर ही रहे हैं और मजीद सीखेंगे अपने सेगमेंट से, तो चलते हैं एक और सेगमेंट की तरफ और अपने गेस्ट से सीखते हैं कि वो आज के टॉपिक के हवाले से हमें क्या सिखाएंगे। जी दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर अपने पूरे दिल से आपको, आप ही के यूशो पूरे दिल से मैं
वेलकम कहता है। सो बहुत सारी बातें हमने आपकी खिदमत में रखी और हमने ज़रूरी समझा कि हम मज़ीद इस टॉपिक पर कुछ सीखें, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए उतना ही कम है और बेहद ज़रूरी है। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की तरफ चलें, एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये लिखने वाला शायर कह रहा है। और शायर क्या कहता है? शायर कहता है कि जो मेहनती शख्स होता है उसके लिए जो पहाड़ होता है वो भी जर्रे की मानिंद होता है, और जो काहिल होता है, जो सुस्ती को इतनी आदत बना लेता है कि मेहनत करना पसंद नहीं करता, उसके लिए वो ज़र्रा भी पहाड़ होता है। तो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम सब ने मिलकर सीखना है कि कैसे हम सुस्ती से अपनी जान को छुड़ाएं, कैसे हम ज़िंदगी में एक्टिव रहें और ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते चले जाएँ। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज बहुत ही अच्छे हमारे साथ गेस्ट हमारे सेट पर मौजूद हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए आपकी मुलाकात करवाता हूँ सर फैसल कैसर से। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या हाल है आपका? शुक्र खुदा का। सर बहुत अच्छे अच्छे आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते हैं, हमें पता है, तो हमने ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पर आपको बुलाएं। तो बड़ा ख़ास टॉपिक है और मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो लेज़ीनेस की आदत है जी, या बेसब्री की आदत हमारी ज़िंदगियों में है जी, इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं? अगस्टिन देखें, बात सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि लेज़ीनेस की वजह क्या है, ये क्यों होती है लेज़ीनेस, आखिर ज़िंदगी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आ जाते हैं कि आप सुस्ती ना जिसे कहते हैं काहली को आप अपने पास ज़िंदगी का हिस्सा बना, ज़िंदगी का हिस्सा बना। सो मैं समझता हूँ नंबर वन जो सबसे ज़्यादा जो आपके सुस्त इंसान होता है, नंबर वन तो ये है कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है, यानी उसके पास ये हो कि मैं अभी 5 मिनट का काम है मैं 2 मिनट में कर लूँगा, या 10 मिनट का काम है मैंने 1 मिनट में कर लेना, सो मींस दैट कि वो खुद अपने आप को जो है वो सुस्ती की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है ना, और जो वक्त है उसके काम करने वो का तो निकल जाएगा उसके हाथ से, ठीक है ना। सो मेरे नज़र में ये है कि जो सबसे ज़्यादा सुस्ती होती है वो नंबर वन ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आ जाती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। नंबर टू के अगर आप किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आप नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रहे, ठीक है ना, यानी उसकी आपकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता, तो आपका दिल ही नहीं करेगा उसको करने के लिए, आप सुस्त हो जाओगे, ठीक है। सो मेरी नज़र में यही है कि एक नंबर वन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, नंबर टू अगर आप में उसका इंटरेस्ट नहीं है, आपका उसकी तरफ दिल ही नहीं लग रहा, तो आप डेफिनेटली सुस्ती ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी और हम खुद ही बल्कि दावत देंगे। तो सर मुझे ये भी बताएं कि एज ह्यूमन बीइंग होते हुए कोई भी ये कह नहीं सकता कि मेरी जिंदगी में सुस्ती नहीं आई या इसका मैं शिकार नहीं होता, तो मुझे बताएं जब आपकी जिंदगी में ऐसी आदतें आती हैं तो आप कैसे उन पर काबू पाते हैं? अगस्टिन मैं जब भी कभी, पहली बात तो मैं सुस्ती आने नहीं देता, ठीक है ना। एक नंबर वन तो मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार शख्स हैं, ठीक है ना, तो वो कभी भी सुस्ती नहीं करेगा, ठीक है ना। नंबर टू अगर कहीं आपकी लाइफ में सुस्ती आना शुरू होती है तो आप कहीं ना कहीं कोई मोटिवेशनल आप स्पीचेस सुने, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है तो कोई मोटिवेशनल आप कोट्स पढ़ें, ठीक है। अब अगर आप मोटिवेशनल स्पीचेस, दुनिया में बेतहाशा लोग से सुस्ती आना कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है तो उसके ऊपर वो कहे कि मुझे सुस्ती, एक तो होती है थकान की सुस्ती और वो तो जैनवन है, वो जैनवन है, बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर आपको उसको आदत हम बना लेंगे तो, ठीक है ना, तो उसमें ये है कि नंबर वन तो अगर आपको पॉसिबिलिटी हो, अगर आप कहीं पे कोट्स पढ़ें कि बहुत सारे लोगों के, ठीक है ना, तो आप मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, आपके पास जितनी भी सुस्ती है वो खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की भरी मिसालें दुनिया में बेतहाशा लोग हैं, ठीक है ना, जिनकी मिसालें देना मैं शुरू करूंगा तो शायद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो उसमें ये है कि आपको कभी भी जिसे कहते हैं अगर सुस्ती हो रही हो तो नंबर वन आप मोटिवेशनल स्पीचेस आप सुने, नंबर टू मोटिवेशनल जिसे कहते हैं आप कोट्स, मशहूर मुकालमे जो होते हैं वो आप पढ़ना शुरू करें, तो खुदा ने चाहा तो सुस्ती छोड़ेगी, जान छोड़ेगी। तो सर बातें तो बहुत करने का दिल कर रहा है और मैं समझता हूँ जितनी बातें इस टॉपिक पर की जाएँ उतना ही कम है, तो एक आखिरी बात जाते जाते हमारी यूथ के लिए कोई खास इस टॉपिक पर मैसेज?
यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि नंबर वन तो आप एजुकेशन हासिल करें, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और नंबर टू, कभी भी जिसे कहते हैं वो बेसब्री ना लाएं, ठीक है ना। यानी बेसब्री से मुराद ये है कि आपने कोई मेहनत करी तो डेफिनेटली खुदा कभी ना कभी उसका अजर रिजल्ट देगा, ठीक है ना। लेकिन बेसब्री का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा फौरन फौरन, फौरन, फौरन आ जाए। बेहतर ये है कि आप अपने, जिसे कहते हैं हमारी यूथ में एक बहुत इशू होता है कि हम एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगस्टिन ने कब अपना जो है ना वो जॉब शुरू करी और वो कहाँ पहुँच गया, और मैंने जॉब शुरू करी और मैं कहाँ पर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सो मैं ये कहता हूँ डोंट कंपेयर विद अदर्स, आपको दूसरों के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुद चेक एंड बैलेंस रखें कि मैंने अब तक कितनी, जिसे कहते हैं, स्ट्रगल की है, और मैंने राइट डायरेक्शन में स्ट्रगल की है या गलत डायरेक्शन में, ठीक है। तो नंबर वन भी ये कि आप एजुकेशन हासिल करें, और नंबर टू के जल्दबाजी ना करें, बेसब्री नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर पैशंस होना चाहिए। नंबर टू, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अपने जो भी आपके जो बड़े हैं जो गाइडेंस आपको देते हैं उनके थ्रू चैनल ज़रूर आप काम करें, और हमेशा खुदा का शुक्रगुजार आप ज़रूर रहें, ठीक है ना। तो आप सबसे बड़ा पॉइंट लास्ट में कि आपको खुदा का शुक्र करना बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, बहुत बहुत दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा अपने हमें टाइम दिया। सो दोस्तों, बात वही है, जितनी बातें हम करें वो कम है, लेकिन सिर्फ बातों से बात नहीं बनेगी बल्कि हमें सीखना भी पड़ेगा। तो ज़रूर सीखें और ऐसे टॉपिक्स को खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि जहां हमारे लिए रूहानी तालीम ज़रूरी है वहां ऐसे सोशल टॉपिक्स भी हमारे लिए हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। सो वही बात है, ज़िंदगी में सीखते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, अगस्टिन बेहद इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था आपका और हमने बेहद बहुत कुछ सीखा। तो हम सोशल एस्पेक्ट से और बिब्लिकल एस्पेक्ट से बातें कर रहे हैं। तो अगस्टिन, अगर हमसे सवाल किया जाए कि आप सबसे पहले सुबह उठ के क्या काम करते हैं, यकीनन जवाब हम सबका होगा कि फोन चेक करते हैं। सोने से पहले भी फोन चेक करते हैं, सारे दिन में फोन चेक करते रहते हैं। तो ऐसे करते करते हम अपना बेहद वक्त ज़ाया करते हैं। लेट से मुझे मैसेज या मेल आया, मैं चेक कर रहा हूँ, उसी के साथ मैं सोशल मीडिया पे किसी और ऐप पे चला गया, और फिर करते करते मैंने अपना घंटा ज़ाया कर दिया, कितना टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये कुछ ऐसे काम है जो हमें सुस्ती का शिकार करते हैं, और काहली का सबसे बड़ा कॉज हमारा मोबाइल फ़ोन बन जाता है। बड़ी अच्छी बात आपने की कि सुबह सबसे पहले हम उठ के चेक करते हैं अपना मोबाइल, रात को सोने से पहले करते हैं चेक अपना मोबाइल। तो वही बात है, जो काम हमने एक वक्त पे करना है, जब वो वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम बड़े बेसब्र हो जाते हैं, क्योंकि वो वक्त तो निकल गया जो वक्त आपके काम का था। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी का हर कदम होना चाहिए कि जिस काम का जो वक्त होता है उसे उसी काम वक्त पर करें, क्योंकि वो काम भी फिर अच्छा होगा, और वही बात है, आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और आप माशरे में भी अच्छी एक पर्सनैलिटी पाएंगे और ज़िंदगी में भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ज़िंदगी तो भैया ऐसी ही है, ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी आदतें हमारी ज़िंदगी का शिकार बनकर हमारी ज़िंदगी को बड़ा नीचे लेकर चली जाते हैं, लेकिन हमने सारी ऐसी आदतों से लड़ना है, फाइट करनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, स्टॉप नहीं होना। क्योंकि मैं समझता हूँ जिस दिन हम स्टॉप हो गए ना, तो पहले ही हमने बात की, अगर हमारा दिल बंद हो जाएगा तो हम वैसे ही ज़मीन पर रहते रहते बिल्कुल डेड हो जाएंगे। सो हमेशा की तरह बहुत 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 उम्मीद है कि आपका आज का शो भी आपको बहुत पसंद आया और आपने बहुत कुछ सीखा। हमने हर लिहाज से आपको सिखाने की कोशिश की कि कितना ज़रूरी है तंदुरुस्त रहना, कितना ज़रूरी है सुस्ती को अपनी ज़िंदगी से निकालना, कितना ज़रूरी है बेसब्री को अपनी ज़िंदगी से निकालना, ज़िंदगी में सब्र रखना और ज़िंदगी को स्मूथ तरीके से और एक्टिव तरीके से गुजारना, और ज़िंदगी के कामों को एक्टिव तरीके से करना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर में वही बात कि सुस्ती से अपनी जान छुड़ाएँ और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँ। वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जो अब तक हमने हमारे शो में ऐड नहीं किया वो ऐड करें, तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बारह बार आपके स्क्रीन पर आ रही है, ज़रूर हमारे सारे लिंक्स आ रहे हैं, हमें हमसे रابطہ करें और हमें यूं ही सपोर्ट करें। तो यूं ही फिर एक मरतबा आपसे अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले शो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे की कदर करें और पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।